इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ना कि वीडियो क्रिएटर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिपेंडेंट पर्सन ऊपर ना कि किसी वीडियो क्रिएटर को ना, और ये गवर्नर के अप्रूवल के बाद बनता है एंट्री 5 लिस्ट 2 और 7 शेड्यूल में होता है। ठीक है, पावर क्या सैलरी स्टेटस और अलाउंस हाईकोर्ट के जज के बारे में होता है। किसान सिंह पर से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी बुलावा का स्टेट गवर्नमेंट अवॉइड होना चाहिए, इसके डायरेक्शन है। ठीक है, अभी देख लो इम्पीचमेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो मुख्य डेमोलिशन रीजन फिक्सिंग लिमिट और बाउंड्री पेट्रोल को बोलते हैं 84th अमेंडमेंट 2002 में किया गया, पहला सेंसस का 2026 में हुआ। ठीक है, 1971 सेंसस मतलब देखो 2026 सेंसस तक वो सब सेम रहेगा, 1971 सेंसस के बेस पे। ठीक है, उनको जो है चैलेंजेस बिफोर एनी कोर्ट के नहीं हो कर सकते। ठीक है, 52 में 63 में कर चुके हैं और 72 में 2002 में भी कर चुके हैं। 52, 63, 72 और 2002। ठीक, कंपोजिशन क्या है, तुम्हारे 3 मेंबर होंगे, सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का चेयरपर्सन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इलेक्ट्रॉन कमिश्नर होगा, नॉमिनेटेड बाय सीईसी होगा और सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर होगा। समझ में, फिर सुनो, 3 मेंबर होंगे कमीशन में, सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का जो कि चेयरपर्सन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्ट्रॉन कमिश्नर होगा जो कि नॉमिनेटेड बाय सीईसी और स्टेट के, मतलब एक नेशनल का, एक स्टेट का और एक सुप्रीम कोर्ट का, 3 लोग होंगे। ठीक है, आप भी राशि में कहोगे पार्लियामेंट इनेक्ट कर द डिलिमिटेशन एक्ट 170 का, स्टेट गॉट डिवाइडेड टू टेरिटोरियल कंट्रीज होगा, भी राशि का डिलिमिटेशन एक्ट 170 का टेरिटोरियल कंट्रीज। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी का एससी एसटी है तो 171 में एसटी वाला ये हो गया, 338 ए में है। ठीक है, अब इसमें देखो चेयरपर्सन होगा भाई चेयरपर्सन भाई सर पर 3 मेंबर होंगे। इसका काम है इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर करना, इंक्वायर करना, पार्टिसिपेट और एडवाइस करना, रिकमेंडेशन करना। ठीक है, लोकपाल क्या होता है, पर्सन जिसको लोकपाल बोलते हैं या फिर लोग एक्ट भी बोलते हैं स्टेट में बोलते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन या फिर मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे इसमें, पब्लिक सर्वेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होगा और आर्म फोर्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, सुपरिटेंडेंस और एक्शन देता है समनी पर क्वेश्चन का, पब्लिक सर्वेंट को 6 महीने के अंदर करते एक्सटेंशन दे सकते हैं। ठीक है, 6 महीने तक एक्सटेंशन दे सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कोर्स के लिए होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर का कोर्स प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इमिनेंट ज्यूरिस्ट। ठीक है, ये 5 लोग मिल करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में होता है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, 5 साल हाईकोर्ट में गुजारना होगा या फिर 5 साल हाईकोर्ट में गुजारना पड़ेगा एज ए जज या फिर 10 साल हाईकोर्ट में, 5 साल मतलब ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने लायक, मतलब क्या कि 5 साल इन हाईकोर्ट ऑफ एनी इंडियन या फिर जज रखना है 10 एज ए जज या फिर 10 साल किसी हाईकोर्ट में एडवोकेट का, मतलब 5 साल जज के रूप में या फिर 10 साल एडवोकेट रूप में। ठीक है, अब ये देखो किसी भी क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग वाले को डिफेंड नहीं कर सकता है और डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कैन नॉट डिफेंड एन अक्यूज्ड ऑफ इन पर्सन और बट एक्सेप्ट कर सकता है डायरेक्टरशिप ऑफ द कंट्री। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखो मिस्टर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस में पेंशन के अंडर आता है ये। ठीक है, करेंटली किस अंडर है, डार्क के अंडर। ठीक है, अब ये देख लो ब्रॉड इसको होम मिनिस्ट्री के अंदर 46 में लाया गया। ठीक है, 46 में लगाया एक्जीक्यूटिव अंडर के द्वारा ये स्टैच्यूट बॉडी नहीं आई फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द राइट ऑफ प्रोफेशन आई टी आई एक्ट। ठीक है, 3 तरह के केस होते हैं, एंटी करप्शन डिवीजन होगा, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन होगा, स्पेशल क्राइम डिवीजन होगा, 3 तरह होगा। ठीक है, ये हो गया कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट या फिर हाईवर कैन ऑर्डर। ठीक है, 2 काइंड ऑफ कंसेंट होते हैं, केस स्पेसिफिक फिर जनरल होता है, फिर जेल को सेंट मतलब क्या होता है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है। ठीक है, केस स्पेसिफिक फिर जनरल होता है, जनरल से मतलब क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगेंस्ट होता है। कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कंपटीशन एक्ट 2002 से बना हुआ, एलिमिनेट करता है प्रैक्टिसेस को, फिर ओपिनियन डालता है कंपटीशन पे। ठीक है, अभी देखो प्रोहिबिट करता है तुमको एंटी करप्शन एग्रीमेंट या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पर्सन पोजीशन बाय एंटरप्राइज या फिर रिलेटेड कंपनी से। ठीक है, प्रोहिबिट करता है एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कमीशन को होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के बाद बनाकर वही संस्थान कमेटी का, और उसको 2003 में से हमने स्टैचुअरी स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, अभी देख लिया रिस्पॉन्सिबल से पार्लियामेंट के लिए होता है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये 2 विजिलेंट कमिश्नर, एक सेंट्रल होता है कमिश्नर, दूसरा 2 विजिलेंट कमिश्नर होता है। ठीक है, कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। कमिटी में कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा, यूनियन मिनिस्टर होगा, यूनियन होम मिनिस्टर का लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, 4 साल लेकर 65 साल का होता है। ठीक है, जिसमें 4 साल ही क्यों, सीबीसी विजिलेंस है तो 4 साल है। ठीक है, डिसेबिलिटी कैपेसिटी पर आ सकते हैं, मैक्सिमम टेन ऑफ आईईएम इंटेग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर, इसका 3 साल होता है, और वैसे भी इंटेग्रिटी पैड कहता है ट्रांसपेरेंसी इक्विटी या फिर कॉम्पिटेटिवनेस लेने के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, और इसको कौन डेवलप करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको डेवलप करता है। ठीक है, डेवलप बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, आईएम का कंप्लाइड होता है ऑब्लिगेशन अंडर द पैक्ट। ठीक है, अब ये देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये स्टैचुअरी बॉडी है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसमें करता है, 6 मेंबर कमेटी, और उसको प्राइम मिनिस्टर का स्पीकर हो गया, प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस हो गया, और यूनियन होम मिनिस्टर ये हो गया। ठीक है, अभी देख लो
टर्म में रिन्यू हो लिया, 5 साल होने चाहिए फिर जब तक एज 70 ना हो जाए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल लेके तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल लेकर मिस्टेक होम अफेयर्स के अंडर आता है, फिर पीएम फिर अप्रूव करता है डिस्ट्रिक्ट प्लान को, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5 साल के सेक्टर में होता है, 4 जनरल मीटर कम से कम करता है, 4 जनरल मीटर कम से कम, ठीक है। 14 इलेक्ट्रिक मेंबर होते हैं इसके, हर डिस्ट्रिक्ट से 14 मेंबर होता है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोपेटिक सोसाइटी एनडीपीएस एक्ट होता है जो कि इन्वेस्टिगेटिव प्रोसिक्यूटर ऑफिसर को करता है, ठीक है। टेरर रिलेटेड क्राइम के लिए और मिस्टर होम अफेयर्स में, ठीक है। अभी देखो ये कहाँ कहाँ से इसके मेंबर आईपीएस है, आईएएस हम लेते हैं, ठीक है। अभी देखो जज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम जज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है 1973, ठीक है। अभी हो गया, ठीक है। अभी देख लो चीफ मिनिस्टर का होता है अपॉइंटेड बाय गवर्नर के थ्रू होता है, आर्टिकल 163 जिसमें काउंसिल अपॉइंटेड बाय गवर्नर आर्टिकल 163 जो कि काउंसिल मिनिस्टर को करते हैं, ठीक है। अभी देख लो एडवाइस कम्युनिकेट रिकमेंड करता है रिजोल्यूशन को, गवर्नर पावर इन रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 163 एडवाइस करता है, आर्टिकल 174 समन करता है हाउस को ऑफ द स्टेट को, ठीक है। निवाम रेबिया फिर डिप्टी स्पीकर ये सिर्फ एडवाइस पे काम करता है, ओनली एडवाइस पे, निवाम एडवाइस पे करता है, नो डिस्क्रिशनरी पावर इसमें होता ही नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली देख लो, आर्टिकल 164(1)(a) है जो 15% सीट रिजर्व करता है, 15% टोटल होता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर करता है, आर्टिकल 164 चाहिए कि मिस्टर विदाउट बीइंग मेंबर हो सकता है, ठीक है। 6 कंसेक्यूटिव मेंबर के लिए है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पॉन्डिचेरी देख लो, 30 इलेक्टेड एमएलए होता है और मैक्सिमम 3 एमएलए होता है, 30 इलेक्टेड एमएलए और मैक्सिमम 3 एमएलए नॉमिनेटेड होता है, शुड नॉट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होती, 144 में लाइक करता है और एक्ट अपने 144 में लाइक करता है और एक्ट इन दिस डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। अभी देख लो एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रीवियस सेक्शंस को देना पड़ता है, चलो प्रीवियस सेक्शन हो गया। अभी देखो पार्डनिंग पावर देख लो, मेंसी पावर आर्टिकल 72 में था, पार्ट मतलब पूरे हटा दो, कॉम्पिटिशन मतलब एक्सचेंज कर दो, रिप्राइव मतलब टेम्प्रोरी सस्पेंशन कर दो, डेसेंटेंस का रेस्पाइट मतलब लेसर पनिशमेंट स्पेशल कर दो, ठीक है। रिमिशन मतलब रिड्यूशन ऑफ अमाउंट कर दो, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेंटेंस कम कर दो, ठीक है। अभी देखो पार्टनिंग पावर देख लो, कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता है, बट आर्टिकल डज नॉट प्रोवाइड सच पावर मतलब गवर्नर कोर्ट मार्शल नहीं कर सकता, प्लस डिसेंटेंस को भी नहीं करता, डज नॉट एक्सटेंड टू ग्रेट सेंटेंस भी नहीं होता, ठीक है। कोर्ट मार्शल ट्रीटमेंट नहीं करता, ठीक है। ऐसा जो पावर देख लो, एडवाइस ऑफ कॉन्सिल मिनिस्टर के बेसिस पे लीगलिटी, एडवाइस ऑफ कॉन्सिल मिनिस्टर लीगलिटी पूर्व सुधाकरण टेस्ट, इसमें स्मॉल विंडो दिया गया जो डिसीजन लिव्यू के लिए, ठीक है। अभी तो आर्टिकल 161 का तो पार्टनिंग पावर ऑफ द गवर्नर के लिए बेस करता है, और ये तो डेथ सेंटेंस को भी डील करता है, ठीक है। डेट सेंटर कोर्ट मार्शल डील नहीं करता गवर्नर, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है। डॉक्टर एंड सेपरेशन पावर बेसिस स्ट्रक्चर से नहीं है, एक्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेचर तीनों अलग होने चाहिए, बेसिस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या आर्टिकल 50 का होता है, जुडिशियरी एक्जीक्यूटिव से दूर रखो, आर्टिकल 121 से फिर 211 डिस्कस कर कंडक्ट ऑफ एनी जज, 105 से 194 लेजिस्लेचर को दूर रखो इंटरप्रेटेशन ऑफ कोर्ट से, लेजिस्लेचर को दूर रखो इंटरफेरेंस ऑफ जज से, ठीक है। अब लेजिस्लेचर अब जुडिशियल कंडक्ट ऑफ द जज, ये आर्टिकल 121 से 211 पर है ये, ठीक है। आर्टिकल 161, ठीक है, आंसरेबल कोर्ट के लिए नहीं होता है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन है, या तो बिल को असेंट दे दो, या फिर विथ होल्ड करो असेंट को, रिजर्व कर दो बिल को, या फिर रिटर्न कर दो बिल को, असेंट टू द बिल, विथ होल्ड द असेंट, रिजर्व कर दो बिल को, या फिर रिटर्न कर दो बिल को, ठीक है। ऑप्शन भी दो नहीं, जैसे 6 मंथ तक रखते हैं, हाउस ऑफ सीट कंसल्टेटेड करो विद इन 6 मंथ, डेट ऑफ के 6 मंथ करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करता है, MP MLA के लिए बोलते हैं, MP MLA के लिए तो रिसीव करता है बेनिफिट फ्रॉम इट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करता है रिसीव करता है बेनिफिट ऑफ इट के लिए। आर्टिकल 102 डिस्क्वालीफाइड करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए अनसाउंड अमाउंट ऑफ इनसॉल्वेंट एजेंसी के लिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करता ऑब्लिगेशन टू द एक्जीक्यूटिव, ऑफिस ऑफ डिस्क्वालीफाइड ताकि वो एक्जीक्यूटिव ऑब्लिगेशन ना हो, उसको गवर्नमेंटल प्रेशर ना हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, ठीक है। रीजन ऑफ कंट्रोवर्सी ये डिफाइन नहीं किया गया है, रीजन कंट्रोवर्सी क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, ठीक है। पद्योमन ये स्वप्न रोय 2001 में, ठीक है। रोल ड्यूटी इसमें क्या होता है, कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रिलोमिनेशन ना हो, ठीक है। पावर्स ना इन्फ्लुएंस ना, कंट्रोल इलिमिनेशन पावर इन्फ्लुएंस ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन, कलेक्टिविटी मोशन होता है लेजिस्लेटर असेंबली के लिए, आर्टिकल 75 का तो लोकसभा के लिए, आर्टिकल 75 का लोकसभा के लिए, तो आर्टिकल 74 का लेजिस्लेटर असेंबली ऑफ स्टेट के लिए है, ठीक है। अगर 50 MP फेवर में है तो स्पीकर कुड अलॉट ए डेट फॉर डिस्कसिंग द मोशन, बट ये 110 दिन के अंदर 50 MP मोशन में तो फिर बट ये 10 दिन के अंदर डिसाइड करते हैं वॉइस वोट या डिवीजन ऑफ वोट्स या फर्दर नेम से। अभी देखो व्हाट आर कंडीशन लेटर नो कॉन्फिडेंस मिल, क्या तुमको इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट इंडिविजुअल और प्राइवेट मिनिस्टर, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर नहीं इंडिविजुअल या प्राइवेट मिनिस्टर के लिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी डिविक्शन लॉ, ये देखो लिटरेचर साइंस आर्ट और सोशल सर्विस के लिए है, और ये वोट नहीं कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 10th शेड्यूल का तो 57 अमेंडमेंट के लिए है ये।
अब इसमें कहता है चेयरमैन स्पीकर ऑफ हाउस उसका डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है, टेंथ शेड्यूल के लिए फिर सेकंड चेयरमैन स्पीकर फिर उसका डिसीजन फाइनल, ठीक है। अभी देखो डिसक्वालीफाइड टू होल्ड एनी नोटिव पोस्ट के लिए, ठीक है, टेंथ शेड्यूल क्या है डिसक्वालीफाइड टू होल्ड एनी नोटिव, डिसक्वालिफिकेशन का तो गिव अप करते हैं विद परमिशन हो विद इन 815 डेज ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन पार्टी विद इन 6 मंथ, ठीक है, गिव अप करते हैं पीरियड परमिशन हो विद इन 15 डेज ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन पार्टी विद इन 6 मंथ के लिए, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होगा, 2/3 मेंबर होने चाहिए टू मर्ज नॉट दी वन हु स्टे विद द ओरिजिनल पार्टी विल फेस हुआ, ठीक है, 2/3 मेंबर होने चाहिए मर्ज या फिर स्टे कर दे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग पर्सन, ये क्या होता है जुडिशियल इंटरवेंशन कब होता है जब तक प्रिसाइडिंग अपना ऑर्डर न दे, जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर न दे। दिनेश गोस्वामी कमेटी में क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक के वॉलंटरी होने चाहिए, एब्सटेन करते तभी वो बाकी केस में उसको नहीं करेंगे हटाएंगे, ठीक है। लॉ कमीशन का एग्जाम करता है स्प्लिट्स ऑफ मर्जर को प्री पोल इलेक्ट्रॉनिक मर्जर को एक्सीडेंस ऑफ व्हिप्स एक्सेप्ट स्प्लिट्स ऑफ मर्जर पीपल एक्सपीरियंस ऑफ व्हिप हो गया, ठीक है। अभी जुडिशियल इसमें कैंट भी अवेलेबल प्रियर टू स्पीकर डिसीजन, कोहलू होल्ड अपने होल्ड ने ये डिसीजन कि हो तो होलो होनी फिर जेल जो फिर अदर से उसे बयान में होता है। ये देखो जुडिशियल इफ कैन बी होल्ड टू प्रियर टू स्पीकर डिसीजन क्या कोलेटो होलो होने फिर जेल होने प्रियर टू डिसीजन, मतलब ये कहा था जुडिशियल वो कलेक्टर क्या होता है प्रियर टू डिसीजन बिकेस पल इंडिया प्रोविजन भी कहा था तो अलाउ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फंक्शन ड्रॉफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब होता है मतलब कहते हैं कि कंसोलिडेटेड गुलेटिन मतलब ले सकते हैं जिससे फास्ट ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, गुलेटिन मतलब फास्टिंग के लिए अप्रोप्रेशन होता है आर्टिकल 114 के जिसमें कंसोलिडेशन फंड का अप्रूवल पार्लियामेंट के हिसाब से, ठीक है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है प्रोविजन ऑन फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के बेस पे है, फाइनेंशियल बिल ये प्रोविजन ऑन फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए अप्रोप्रेशन बिल कहता है स्पेसिफाई करता है क्वांटम को पर्पस फॉर विड्रॉइंग मनी के लिए, ठीक है, ये हो गया। प्रोसीजर फॉलो अप्रोप्रेशन बिल कहता है पहले लोकसभा से पास होता है फिर राज्यसभा, पहले लोकसभा से पास होता है फिर राज्यसभा से पास होता है, ठीक है, ये हो गया। फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 में जो कंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया में है फाइनेंशियल बिल क्या मनी बिल है, आर्टिकल 110 ऑफ द कंस्टिट्यूशन में ये फाइनेंशियल बिल मनी बिल है और लॉ पर्टेन टू टैक्स रिलेटेड, ठीक है। डिफरेंस बिल मनी बिल फाइनेंशियल बिल क्या लोकसभा के लिए है, ये 14 दिन के अंदर कहते हैं रिजेक्ट करते हैं सारे कुछ डिमांड को, ठीक है। अभी देखो 2018 का स्पीकर ने क्या होता है कि मनी बिल फाइनल है और उसको मतलब स्पीकर जो बोलते हैं मनी बिल तो मनी बिल हो और उसको चैलेंज नहीं करते किसी कोर्ट में, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिमांड देख लो कंट्रोलर एंड कंट्रोलर जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर ये नोटिस देता है पहले फिर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को एग्जामिन करता है, ठीक है। एडिशन ग्रांट करता है सब न्यू सर्विस डालना हो इसके लिए करते हैं, एक्सेप्शन ग्रांट करता है एक्सेप्शन पर्पस के लिए करते हैं, टोकन ग्रांट करता है प्रपोज एक्सपेंडिचर होता है न्यू सर्विस पर, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सेशन देख लो एडजर्नमेंट या फिर एडजर्नमेंट साइंड है या फिर प्रोपोगेशन ऑफ रिजोल्यूशन के लिए ये सस्पेंड करता है वर्क और स्पेसिफाइड टाइम के लिए, ठीक है। सस्पेंड करता है वर्क स्पेसिफाइड टाइम का एडजर्नमेंट साइंड है ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। प्रोरोगेशन ये बिजनेस ऑफ द सेशन कंप्लीट होने की बात करता है, डिजोल्यूशन क्या होता है इन द लाइफ ऑफ द रीजन, ठीक है। प्रोरोगेशन है आफ्टर द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीट होता है और डिजोल्यूशन क्या होता है इंड करता है लाइफ ऑफ द रीजन, ठीक है। बोथ हाउस ये क्या करता है समन करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स है तो बोथ हाउस में समन करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है। अब फर्स्ट कंस्टिट्यूशन प्रेसिडेंट एड्रेस करता है एवरी सेशन के लिए फर्स्ट एड्रेस प्रेसिडेंट एड्रेस करता है एवरी सेशन के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। व्हाट इज प्रेसिडेंट एड्रेस किया गवर्नमेंट पॉलिसी प्रायोरिटी प्लान्स के लिए पॉलिसी प्रायोरिटी प्लान्स के लिए है ये, ठीक है। अभी देखो गवर्नमेंट डिसएग्री करता है कैंडिडेट मतलब गवर्नमेंट गवर्नर रिफ्यूज नहीं करता परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब आर दिस पैरल इन अदर इंडियन इसको क्या बोलते हैं पैरल इन अदर दूसरे स्टेट में यूनाइटेड में कहते स्टेट ऑफ द यूनियन बोलते हैं और यूनाइटेड में कहते हैं क्वीन ऑफ स्पीच बोलते हैं। फ्लोर टेस्ट होता है टेस्ट मेजोरिटी टेस्ट जिससे करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा देखो सैलरी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए सिक्स पोजीशन लोकसभा स्पीकर का सिक्स प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये एजेंडा डिसाइड करता है एजेंडा डिसाइड करता है और डिसिप्लिन और डिकोरम भी मैनेज करता है, ठीक है। मनी बिल है कि नहीं क्यों बताएगा, ठीक है। अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हो गया और डू नॉट लीव द पोस्ट अंटिल रिजोल्यूशन के बाद ही पोस्ट नहीं छोड़ता, ठीक है। इतना याद रखो बस, ठीक है। अभी देखो अब इसमें यह है कि कमिटी स्पीकर कमिटी में कौन कौन होता है कमिटी ऑल साइज कमिटी यही बनाता है चेयरमैन यही प्रोसीजर प्रॉब्लम यही फिक्स करता है बस खत्म और क्या।